लोकसभा चुनाव के दौरान मेरठ की एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ ने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है, और कहा था कि अगर उनके पास अली हैं तो हमारे पास बजरंगबली हैं। अब इसी टिप्पणी के चलते चुनाव आयोग ने गुरुवार को योगी आदित्यनाथ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग का मानना है कि योगी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आयोग ने उनसे शुक्रवार की शाम यानी आज जवाब देने को कहा है। योगी ने लोकसभा चुनाव की तुलना इस्लाम में अहम शख्सियत अली और हिंदू देवता बजरंगबली के बीच मुकाबले से की थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कांग्रेस सपा बसपा को अली पर विश्वास है तो हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। योगी ने देवबंद में बसपा प्रमुख मायावती के उस भाषण की तरफ इशारा करते हुए यह टिप्पणी की थी कि जिसमें मायावती ने मुस्लिमों से सपा बसपा गठबंधन को वोट देने की अपील की थी। योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में बीते 9 अप्रैल को सहारनपुर की रैली का जिक्र करते हुए कहा था कि जब गठबंधन के नेताओं को अली पर विश्वास है और वह अली अली कर रहे हैं तो हम भी बजरंगबली के अनुयायी हैं और हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। मेरठ स्थित सिसौली गांव में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज पश्चिम में कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। हमने सरकार बनने के बाद एक ही संकल्प लिया था कि अपराधियों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना है, और हमने वही किया। आज अपराधी जेल में है या फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन यह काम सपा और बसपा ने नहीं किया, उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया। योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बोल देने पर विवादों के घेरे में आ गए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें आगाह किया और उन्हें भविष्य में अपने व्यक्तियों में सतर्कता बरतने को भी कहा। छाछठ पूर्व अधिकारियों ने इस बारे में चुनाव आयोग से योगी की शिकायत भी की थी। अपने पत्र में उन्होंने योगी द्वारा भारतीय सेना को मोदी की सेना बताने का भी उदाहरण दिया था। इस पर नौकरशाह ने कहा था कि चुनाव आयोग को इस तरह के बयानों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत थी, लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सिर्फ हल्की फटकार ही लगाई गई थी। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।